तो बच्चे अभी हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल में इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट याद रखना है कौन सा आपका, ये है आपका एक कंडीशनल यानी कि सिलेक्शन स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पर। सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इसके पार्ट्स कितने होते हैं? सबसे पहले है आपका सिंपल इफ। सिंपल इफ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल आ रहा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, प्रोग्राम आपका चला, बीच में आपके कंडीशन आई, बीच में आपके कंडीशन आई, अगर वो कंडीशन आपकी होती है ट्रू, अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू मान ली जाए, ट्रू होती है, तो यहाँ पर आपका इफ का ब्लॉक है, इफ का ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या होंगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ये आपकी एग्जीक्यूट हो गई। वरना क्या होगा, अगर वो आपकी फॉल्स होती है तो नॉर्मल कुछ भी नहीं होगा, इस तरीके से फ्लो ऑफ कंट्रोल आपका चलता रहेगा। फ्लो ऑफ कंट्रोल, अगर कोई कंडीशन आपकी सही हुई तो जो आपका ट्रू है यदि, तो वही आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अच्छा एक प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ, सीधा वर्ड मैन से कर रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे आपका हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की है, हेडर फाइल आप लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है, मैं क्योंकि टाइम वीडियो लेंथ बड़ी ना बने, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड मैन से स्टार्ट किया। वर्ड मैन क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन के बाद में हम ले लेते हैं वेरिएबल अपना इंटीजर ए, ए की वैल्यू हम दे देते हैं 50 इक्वल टू 50। अब यहाँ पर हम हमें यहाँ पर कंडीशन दी सी आउट हेलो, डी एल एंड लाइन, ठीक है, मैंने लिख दिया एंड लाइन कंडीशन लिख दी मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए इक्वल्स टू 30। अगर ए की वैल्यू इसका मतलब क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑपरेटर्स में, इक्वल भी बोला जाता है इसको, इक्वल्स टू इक्वल्स भी बोला जाता है, तो इक्वल टू इक्वल की वैल्यू इसका ऑपरेटर है, ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ कि इसके मतलब क्या होता है, आप ऑपरेटर की वीडियो में एक बार पढ़ लेना। तो इसमें क्या है, कंपेयर कर रहे हैं, अगर दोनों वैल्यू यानी कि जो ए की वैल्यू है 30 है और राइट साइड में जो आपका कॉन्स्टेंट है ये 30, तो मैं एक स्टेटमेंट चलाऊँ जिसे मैंने लिख दिया हेलो, या हेलो तो हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया हाय, इसके बाद मैंने लिख दिया सी आउट में टेक केयर, तो इस स्टेटमेंट को मैं क्लोज कर देती हूँ गेट सी एच लगाकर।
देखिए यहाँ पर बोला गया है, अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 30 है क्या? नहीं है। तो ए की वैल्यू 30 नहीं है तो इससे क्या होगा, आपका जो ये कंडीशन जो है आपकी हो जाएगी फॉल्स। और ये वैल्यू किस में देगा, ये जो आपकी कंडीशन जो आएगा वो आएगा आपका बुलियन में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स। फॉल्स आने के बाद में क्या होगा, अगर इसका आंसर फॉल्स है तो इसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसका जो अगला स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद के जो स्टेटमेंट है ये लाइन आपकी नहीं आएगी, आपकी ये लाइन आपके आउटपुट पर आ जाएगी। एक स्टेटमेंट आएगा आपका आउटपुट स्क्रीन पर हेलो, ठीक है, फ्लो नीचे गया, कंडीशन चेक हुई। ठीक है, यहाँ पर आपकी कंडीशन चेक हुई, ये तो आपका आएगा उसूर वाला हेलो। उसके बाद में आपका फ्लो गया, इफ़ पर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन तो गलत है आपकी, क्योंकि ई की वैल्यू उन्होंने क्या बोली है 30, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू क्या दे दी 50, तो गलत है। तो आपकी जो उसके बाद की जो स्टेटमेंट है ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद में जो आपके ये है स्टेटमेंट वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आपका टेक केयर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर 30 ही होता, सपोज करो यहाँ जो मैंने लिया 50, यहाँ पे मैं 30 है ना, 30 होता तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलती, तो हेलो के बाद बीच में आपका क्या आता है यहाँ पर हाई भी आ जाता। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, क्या इसके बाद यही स्टेटमेंट क्यों चली, अगली वाली क्यों नहीं चली? तो इसका जवाब है क्योंकि इफ़ के बाद इस कंडीशन के बेस पे इसके आगे की एक ही जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि केवल ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा, इसको हम दोनों स्टेटमेंट या बहुत सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो सिर्फ इस कंडीशन के बेस पे, तो आपको उसको बनाना होगा कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये सब क्या हो गए आपकी इस कंडीशन के अंदर, यहाँ पे भी हमें इसका इंडेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी। इसे मैं दोबारा ही लिख देती हूँ। तो अगर हम चाहते हैं, अभी तो इसके बाद में केवल एक ही आपकी कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट हो रही है, पर अगर हमें चाहते हो उसके बाद में सारी वो हो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे एक कंडीशन के अंदर रख देना होगा। जितनी भी इसके अंदर आप देंगे स्टेटमेंट वो सब आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर आप और भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, अगर ये फॉल्स होता है तो ये तो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन इसके बाद वाली आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये आपका सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन सही है तो एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मान लीजिए सिंपल इफ आपका नहीं लगाया, अगला जो है आपका वो है इफ एल्स, या तो आपके इसमें कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका एक ब्लॉक है, ये तो आपका ट्रू हो गया, फॉल्स, यहाँ आपका ये एल्स, तो अगर आपके ट्रू है कंडीशन जो इफ के अंदर जो आपके स्टेटमेंट है ये वाला ब्लॉक आपका आ जाएगा, ठीक है, और अगर आपकी ये कंडीशन नहीं है एल्स में जो कंडीशन आ रही है आपका, ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि मैं प्रोग्राम बना के देखो, उसका वॉइड मैन लिखा, अब यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेती हूँ इंट ए इक्वल्स टू 50 फॉर एग्जांपल। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए इक्वल टू या लेस देन 30, तो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग भी हो सकता है, नॉर्मल स्टेटमेंट भी हो सकता है, एग्जीक्यूशन वाला भी हो सकता है।
और मैंने यहाँ पर लिख दिया एल्स, एल्स में भी सेम है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट आपकी चलेंगी, अगर फॉल्स होती है आपकी ये वाली स्टेटमेंट आपकी चलेंगी। अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट आप बनाएंगे, ठीक है। कंपाउंड या सिंपल चॉइस वो आपकी है। बाय डिफ़ॉल्ट इफ अपने बाद केवल एक ही स्टेटमेंट पढ़ता है, और बाय डिफ़ॉल्ट एल्स भी अपने बाद केवल एक ही स्टेटमेंट पढ़ता है। ए क्या है आपका? लेस देन 30। क्या ए 30 से छोटा है? नहीं है छोटा, क्योंकि ए की वैल्यू 50 है, तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट नहीं होगी, मतलब ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ आपका एग्जीक्यूशन जाएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू नहीं है फॉल्स है। तो एल्स के ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट है, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, जो भी आप देना चाहें तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है, वो आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ट्रू होती तो ये चलता, फॉल्स है तो ये चलेंगी। ये पूरा आपका क्या है, सिंगल ब्लॉक है, प्रोग्राम का जो फ्लो चल रहा है इसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट हो सकती है, इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इनके ऊपर लगी हुई है कंडीशन, ये आपके कब चलेंगी, इस कंडीशंस के बेसिस पे। तो आगे क्या है, अब कंडीशन एक नहीं बहुत सारी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पीछे हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने उसमें क्या पढ़ा था, ए इक्वल्स टू 5 हमने ले ही रखा है, 5 ले लेते हैं, और बी इक्वल टू ले लेते हैं 3। इफ ई ए इज़ लेस देन 5 एंड बी इज़ लेस देन 2, इसके बीच में कुछ स्टेटमेंट, देखिए यहाँ बीच में क्या लगा रही हूँ डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं एंड लगा रही हूँ ऑपरेटर, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन आ रही है ए क्या 5 से छोटा है? नहीं है छोटा, बराबर है, तो यहाँ पर लेस देन में इक्वल टू करती हूँ, ये तो लेस तो नहीं है लेकिन बराबर है। बी आपका 2 से छोटा है? नहीं है छोटा, तो इसको मान लीजिए मैंने इसको 4 कर दिया, तो आप छोटा है? हाँ बिल्कुल है, ट्रू है, बीच में क्या है एंड, तो दोनों ट्रू हो गए, तो ओवरऑल जो आपकी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो आपकी ट्रू आ जाएगी, क्योंकि पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी, ये मेन स्टेटमेंट आपकी प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चे आपको, एक बार और समझा देती हूँ कि ये देखिए ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 दूंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू मैंने 3 दे रखी है, तो यहाँ पर 2 है तो बी तो 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो ये दोनों कंडीशन जब सही होंगी, एंड ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है, अगर और ऑपरेटर का यूज़ करते तो वहाँ पर आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है, ऑपरेटर आप लोग पढ़ लेना, तो यहाँ पर क्या है दोनों कंडीशन का ट्रू होना अनिवार्य है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका ट्रू हो जाएगा, तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है, आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सपोज़ करो यहाँ पे 2 है, ये आपका फॉल्स आ जाता है, ठीक है, ये जो आपकी ये है फॉल्स हो जाएगा, तो आपकी ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करेंगी, फिर आपको कौन सी करेंगी, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी। तो ये इफ एल्स है बच्चे, मुझे लग शायद आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये इफ़ एल्स, इफ़ सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स आपको समझ में आया, इसके बाद अब हम एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे, इसका इफ़ एल्स का एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे अगली वीडियो में।